दोस्तों आईबॉल थिंकपैड या नोटपैड में फ्री में विंडोज 10 इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाना पड़ेगा और गूगल में जाने के बाद यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा आईबॉल डाउनलोड और इसके साथ जो पेज खुलेगा इस यहाँ पे देखिए आईबॉल जनरेशन खुल गया है और इसका सबसे पहला लिंक पे क्लिक करने के साथ ये पेज निकलेगा और इसको स्क्रॉल करते हुए हम लोग नीचे में जाएंगे और यहाँ पे डाउनलोड जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करेंगे और इसके साथ यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का लैपटॉप सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे लैपटॉप का पीछे में जो वर्सन लिखा हुआ होता है वो वर्सन सिलेक्ट करना पड़ेगा। मेरा वर्सन है मार्वल 6 वर्सन 3.0 वो सिलेक्ट किया हूँ और यहाँ पे देखिए मैं विंडोज़ प्रो सिलेक्ट कर रहा हूँ और विंडोज़ प्रो सिलेक्ट करने के साथ गूगल ड्राइव में चला जाएगा और यहाँ से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग कर सकते हैं। ये डाउनलोडिंग ऑप्शन है और यहाँ पे डाउनलोडिंग में क्लिक करने के साथ साथ आपका जो भी विंडोज़ है ये विंडोज़ आपका डाउनलोडिंग हो जाएगा। दोस्तों यूट्यूब में लोग पॉपुलैरिटी के लिए और व्यू बढ़ाने के लिए बहुत सा फेक वीडियो बनाता है लेकिन मैं प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर सकते हैं आपका आईबॉल थिंकपैड में। ये देखिए दोस्तों मेरा ये विंडो डाउनलोडिंग हो चुका है 5.5 GB का है ये विंडो और अभी हम लोग इसको पेन ड्राइव में कॉपी करेंगे लेकिन पेन ड्राइव में कॉपी करने से पहले पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना पड़ेगा वो भी फैट फाइल में। देखिए मैं इसको फैट फाइल में फॉर्मेट कर रहा हूँ फैट 32 जो डिफॉल्ट रहते हैं उसमें फॉर्मेट कर रहा हूँ और साथ ही इसका नाम भी चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब तक हम लोग यहाँ पर ये नाम चेंज नहीं करेंगे पेन ड्राइव का तब तक ये बूट नहीं लगेगा। WINPE जब तक हम लोग नहीं लिखेंगे तब तक ये बूट नहीं लेगा। ये वर्ड लिखने के बाद ही पेन ड्राइव से बूट लेगा और आपका विंडोज़ इंस्टॉल हो सकेगा। तो इसीलिए हम लोग इसमें WINPE लिख के फॉर्मेट मारेंगे और यहाँ पे देखिए हम लोग का ये फॉर्मेट भी हो चुका है। पेन ड्राइव में कॉपी करने के लिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे जो डाउनलोड फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ और जब एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तब ये पूरा फाइल हम पेन ड्राइव में कॉपी करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों कि मैं कभी भी फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ। यूट्यूब में लोग फेक वीडियो बनाते हैं पॉपुलैरिटी और व्यू बढ़ाने के लिए लेकिन मैं कभी भी फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए मेरा ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है और इसको हम लोग कॉपी करेंगे। इसका पूरा फाइल हम लोग सिलेक्ट करके पेन ड्राइव में कॉपी करेंगे। ये देखिए मैं कॉपी कर रहा हूँ ये कॉपी हो गया है और ये भी पेन ड्राइव खोल के इसमें हम लोग पेस्ट कर देंगे और ये देखिए पेस्ट हो रहा है। तो इसके बाद हम लोग लैपटॉप में जाएंगे। ये देखिए दोस्तों हम लोग अभी लैपटॉप में पेन ड्राइव इंसर्ट करेंगे और इसके बाद लैपटॉप को ऑन करने के साथ साथ इसका F7 बटन प्रेस करेंगे। F7 बटन प्रेस करने से इसका बायोस आ जाएगा और बायोस में हम लोग पेन ड्राइव सिलेक्ट करेंगे। इस यहाँ पर देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको UEFI जेनेरिक जो पेन ड्राइव है अपना जो भी पेन ड्राइव है उसको पेन ड्राइव को है आप सिलेक्ट करेंगे और एंटर मारना पड़ेगा। एंटर मारने के बाद में आप लोग 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए क्योंकि ये ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ऑटोमेटिकली ये विंडोज आ जाएगा 20 मिनट बाद। कम से कम इसका तो 20 मिनट लगता ही है और दोस्तों 20 मिनट बाद आपका विंडोज़ लोड हो जाएगा और आपका PC रेडी हो जाएगा।